हाय फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ बिना घी तेल के बनने वाली बहुत ही टेस्टी और हेल्दी रेसिपी मूंग दाल पनीर स्टफ्ड चिल्ला। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना और मुझे फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मूंग दाल चिल्ला बनाने के लिए 2 कटोरी धुली मूंग की दाल को रात भर पानी में भिगो के रख दें या 5 से 6 घंटे भिगो के रखें। उसके बाद साफ पानी से इसे धो लें। पीसने के लिए ग्राइंडिंग जार में 5 लहसुन की कलियाँ डालेंगे और साथ ही में लेंगे 4 हरी मिर्च 20 से 2 टुकड़ों में। अगर आप लहसुन नहीं खाते हैं तो ना डालें। अब डालेंगे धुली हुई मूंग की दाल, ढक्कन बंद करेंगे जार का और इसे पीस लेंगे। दाल हमें थोड़ी दरदरी पीसनी है, एकदम महीन नहीं करनी है। बाउल में निकाल के आधे घंटे के लिए ढक्के से साइड रख दें। तब तक हम स्टफिंग तैयार करते हैं। स्टफिंग के लिए यहाँ पे 250 ग्राम पनीर लिया है, जिसे हाथों से मैश कर लेंगे। अब इसमें डालेंगे बारीक कटी हुई शिमला मिर्च थोड़ी सी, बारीक कटा हुआ हरा धनिया थोड़ा सा, बारीक कटी हुई गाजर और 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई और 1 छोटा प्याज बारीक कटा हुआ। अब इनको पनीर में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। साथ ही में डालेंगे 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच काली मिर्च का पाउडर और नमक स्वाद अनुसार। इन मसालों को पनीर के साथ अच्छे से मिक्स कर लें। स्टफिंग रेडी है, बैटर देखते हैं। आधा घंटा हो चुका है, बैटर हमारा काफ़ी गाढ़ा दिख रहा है, तो इसको हम थोड़ा थोड़ा सा पानी डालकर पतला कर लेंगे, इसकी कंसिस्टेंसी को एडजस्ट करेंगे। हमें इसे ऐसा बनाना है जैसे डोसे का बैटर होता है। ये देखिए कंसिस्टेंसी हमारी, बैटर रेडी है। गैस का फ्लेम, अभी इसमें हम नमक डालेंगे स्वाद अनुसार और मिक्स करेंगे। गैस का फ्लेम ऑन करेंगे, नॉन स्टिक तवा लेंगे। अगर आप नॉर्मल तवा ले रहे हैं तो थोड़ा सा घी लगा लें, नॉन स्टिक है तो ना लगाएं। अब हम गैस का फ्लेम मीडियम करके जो हमारी दाल का बैटर है उसको हम डालेंगे और हल्के हाथों से इसे फैलाएंगे। चिल्ले का साइज आप अपने हिसाब से छोटा बड़ा रख सकते हैं। चिल्ला जब आपके तवे पे पूरी तरह से फैल जाए उसके बाद आप गैस का फ्लेम जो है हाई कर दीजिए, हाई टू मीडियम, और इसे गोल्डन ब्राउन होने तक पकने दें। ये देखिए हमारा चिल्ला थोड़ा पक चुका है, आपको दिख रहा है ऊपर से। अब हम इसके साइड्स को हटाते हुए धीमे धीमे चिल्ले को पलटेंगे। ये देखिए इस तरीके से मैंने चिल्ले के साइड्स हटा लिए और इसे पलटेंगे। ये देखिए कितना अच्छा सा कलर आ गया। ऐसे ही हमें अब दूसरा साइड पकाना है। चिल्ले को वापस से पलटेंगे। अब हम इसमें पनीर की स्टफिंग रखेंगे जो हमने रेडी की थी। पनीर की स्टफिंग को चिल्ले के बिल्कुल बीचों बीच में रखें इस तरीके से। अब चिल्ले का एक साइड उठा के हम पनीर के ऊपर रखेंगे और पनीर को कवर करेंगे। ऐसे ही दूसरे साइड को कवर करेंगे, थोड़ा सा प्रेस करेंगे। मूंग दाल चिल्ला हमारा बिल्कुल रेडी है। गैस का फ्लेम बंद करें और हरी चटनी के साथ इसे गर्मा गर्म सर्व करें। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ये चिल्ला कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय।